हे एवरीवन, वेलकम टू कॉल बैक कोडिंग। सो आज की वीडियो होने वाली है बहुत ही इंटरेस्टिंग, क्योंकि आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कंडीशनल स्टेटमेंट्स इन जावास्क्रिप्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, सो कंडीशनल स्टेटमेंट की हमारे पास थ्री कैटेगरीज होती हैं। सबसे पहले हमारे पास आती है इफ स्टेटमेंट, देन वी हैव इफ एल्स स्टेटमेंट, और फिर उसके बाद हमारे पास आती है इफ एल्स इफ स्टेटमेंट। ओके, सो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम इफ स्टेटमेंट की, कि हमारे पास इफ स्टेटमेंट क्या होती है, उसका सिंटैक्स क्या होता है, उसको क्यों यूज़ करते हैं और किस तरीके से यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे हम इफ स्टेटमेंट का कोड लिख लेते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें कि इफ स्टेटमेंट यूज़ क्यों होती है या इसकी ज़रूरत कब पड़ती है, तो इसकी हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। लेट्स सी कि मैंने अपने भाई से कहा कि वो किसी शॉप से जाकर मेरे लिए चॉकलेट फ्लेवर की आइसक्रीम लेके आए। अब मैंने उसे ये कहा कि आइसक्रीम लेके आओ अगर चॉकलेट फ्लेवर की हो तो, लेकिन मैंने उसे आगे ये नहीं बताया कि अगर चॉकलेट फ्लेवर ना मिले तो क्या करना है। अब यहाँ पे जो दूसरी बात है वो अंडरस्टूड है कि अगर चॉकलेट फ्लेवर नहीं हुआ तो मतलब कि वो कुछ भी ना लाए, कुछ भी ना करें। तो उसी सिचुएशन को अगर हम यहाँ पे पुट करें, तो सबसे पहले हम सिंटैक्स देख लेते हैं अपने इफ स्टेटमेंट का। हमारे पास कीवर्ड होगा इफ, और उसके बाद हम यहाँ पे लगाएंगे राउंड ब्रैकेट्स। अब इस राउंड ब्रैकेट के अंदर हम लिखेंगे अपनी कंडीशन, और उसके बाद हमारे पास आएगा कर्ली ब्रैकेट, और फिर इसके अंदर जो भी हमें चीज एग्जीक्यूट करनी होगी वो हम यहाँ पे लिख देंगे। सो दिस इज द बॉडी। ये हमारे पास हो गया बेसिक स्ट्रक्चर इफ स्टेटमेंट का। अब हम इसको रखते हैं अपनी सिचुएशन पे, आइसक्रीम वाली। तो सबसे पहले हम एक काम ये करते हैं कि मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल लिया, और इस वेरिएबल का नाम मैंने रख दिया फ्लेवर, और इस फ्लेवर में मैंने वैल्यू रख दी लेट्स से चॉकलेट। इसके बाद मुझे क्या करना है, अब मैंने यहाँ पे लगाई इफ स्टेटमेंट, और मैंने यहाँ पे लिखा कि अगर जो फ्लेवर है वो इक्वल हो चॉकलेट के, क्योंकि मुझे कौन सी आइसक्रीम चाहिए, मुझे चॉकलेट चाहिए। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया अगर वो इक्वल है चॉकलेट के तो क्या करना है। मैं यहाँ पे कंसोल कर देती हूँ और मैं यहाँ पे लिख देती हूँ ब्रिंग आइसक्रीम। तो ये मेरे पास जो है वो इफ स्टेटमेंट आ गई। सबसे पहले मैंने क्या किया, एक वेरिएबल लिया, उसमें चॉकलेट की मैंने वैल्यू एंटर कर दी, और फिर मैंने उस वैल्यू को यहाँ पे चेक करवाया। अब ये जो चीज़ मैंने यहाँ पे यूज़ की, ये हमारे पास होता है कंपैरिजन ऑपरेटर। कंपैरिजन ऑपरेटर हमारे पास बहुत सारे हो सकते हैं। एक तो हमारे बोलते हैं ट्रिपल इक्वल टू, जब हमें देखना होता है कि दो वैल्यूज़ एक दूसरे के इक्वल हैं या नहीं तो हम ये यूज़ करते हैं। हमारे पास डबल इक्वल्स टू भी यूज़ होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, तो अगर मैं यहाँ पे सिंगल इक्वल्स टू लगा दूंगी तो ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि ये हमारे पास असाइनमेंट ऑपरेटर होता है, कि इस वेरिएबल के अंदर ये वैल्यू असाइन कर दो, जैसा कि हमने यहाँ पे ये इसको यूज़ भी किया है। तो ये तो हम यहाँ पे एज ए कंपैरिजन ऑपरेटर यूज़ कर ही नहीं सकते। अब हम बात कर लेते हैं डबल इक्वल्स टू की। अगर मुझे इसकी वैल्यू को कंपेयर करना है तो मैं डबल इक्वल्स टू भी यूज़ कर सकती हूँ, यहाँ पे कोई इशू नहीं होगा। लेकिन हम ट्रिपल इक्वल्स टू जब यूज़ करते हैं तो वो वैल्यू के साथ साथ उसकी डेटा टाइप को भी कंपेयर करता है। तो यहाँ पे मैंने फ़िलहाल यूज़ किया ट्रिपल इक्वल्स टू। इसके अलावा और भी हमारे पास ऑपरेटर्स होते हैं, ग्रेटर दैन, लेस दैन, ग्रेटर दैन equals to, less than equals to, ये सब हमारे पास comparison operators होते हैं। हम अपनी situation के हिसाब से जो है वो इन्हें use करते हैं। तो फिलहाल हम इस पे वापस आ जाते हैं। अब यहाँ पे होगा क्या कि हमारे पास जो है वो flavor की जो value है वो compare होगी इस value से। अगर दोनों value same होंगी तो मेरे पास ये इसको कर देगा console। अपने browser पे इसको check करेंगे जाके, जैसे ही मैंने इसको render किया तो you can see कि मेरे पास यहाँ पे ये console हो गया। वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे ये दोनों values थी same। अगर मैं इसको कर दूँ वनीला और अब मैं इसको अपने browser पे चेक करूं तो यहाँ पे मेरे पास कुछ भी शो नहीं होगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे कंसोल ही तब करवाया है जब उसकी वैल्यू होगी चॉकलेट। अगर वैल्यू चॉकलेट नहीं है तो वो कुछ भी कंसोल नहीं करेगा। वन मोर थिंग, कि हम डबल इक्वल्स टू को भी यूज़ करके देख लेते हैं कि इसमें इन दोनों में डिफरेंस क्या है। मैं यहाँ पे एक वेरिएबल लेती हूँ और मैंने लिखा नम, और इसकी वैल्यू मैंने रख दी टू। अब मैंने टू तो रखी है उसकी वैल्यू, लेकिन ये टू मैंने एज ए नंबर यूज़ नहीं किया है, मैंने एज ए स्ट्रिंग लिया है इसको। उसके बाद मैंने यहाँ पे लिखा कि अगर नम की वैल्यू इक्वल है टू के तो यहाँ पे कंसोल कर देते हैं हम नम इज टू। अब यहाँ पे होगा क्या कि अगर हम वैसे देखें तो हमें तो यही दिख रहा है कि नम की वैल्यू टू है, और यहाँ पे भी मैंने टू को चेक किया है, तो बेसिकली कंसोल हो जाना चाहिए। फिलहाल मैंने इसको कर दिया कमेंट। अपने ब्राउजर पे आके जब मैंने इसे रेंडर किया तो मेरे पास यहाँ पे कुछ भी कंसोल नहीं हुआ, जबकि दोनों वैल्यूज टू थी, फिर भी ये काम नहीं हुआ। यही अगर मैं यहाँ से एक इक्वल्स टू हटा दूँ, मैं इसको डबल इक्वल्स टू करके रेंडर करूँ तो अब मेरे पास ये कंसोल हो जाएगा। जब हम डबल इक्वल्स टू यूज़ करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है कि वो हमारे पास सिर्फ वैल्यू को चेक करता है। यहाँ पे भी टू लिखा हुआ है, यहाँ पे भी टू लिखा हुआ है, इसने जो है वो इसको एग्जीक्यूट कर दिया। लेकिन अगर मैं ट्रिपल इक्वल्स टू यूज़ करूँगी
होगी तो वो इनकी डेटा टाइप को भी चेक करेगा। यहाँ पे डेटा टाइप स्ट्रिंग है, यहाँ पे डेटा टाइप नंबर है, तो फिर ये कंडीशन मेरे पास फॉल्स हो जाएगी और ये स्टेटमेंट जो है वो एग्जीक्यूट नहीं हो पाएगी। तो ये डिफरेंस होता है हमारे पास डबल इक्वल्स टू में और ट्रिपल इक्वल्स टू में। ओके, अब यहाँ पे मैंने एक कोड ये लिखा है कि मैंने num2 के अंदर वैल्यू लेनी है यूज़र से, यूज़र कोई भी नंबर एंटर करेगा और फिर हम उसको चेक करेंगे कि वो 3 है या नहीं। अगर वो 3 होगा तो ये कंसोल कर देगा, वापस अपने ब्राउज़र पे आएंगे। इसको मैंने रेंडर किया और यहाँ पे मैंने लिख दिया 3, मैंने यहाँ पे एक नंबर टाइप किया है 3 और मैंने ओके कर दिया, लेकिन यहाँ पे कुछ भी कंसोल नहीं हुआ। इसका क्या रीज़न है मेरे पास? मैंने तो 3 टाइप किया था और यहाँ पे भी मैंने 3 लिखा हुआ है, अब ये वाली चीज़ जो है वो एग्जीक्यूट क्यों नहीं हुई? तो मेरे पास ये जो प्रॉम्प्ट है ये बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो है वो स्ट्रिंग लेता है। हमने अपनी लास्ट वीडियो में जब डिस्कस किया था प्रॉम्प्ट के बारे में, तो हमने ये डिस्कस किया था कि हम जब नंबर इनपुट लेंगे तो हम यहाँ पे जो है वो प्लस का सिंबल यूज़ करेंगे। ये हम करते ही इसलिए हैं ताकि वो बाय डिफ़ॉल्ट स्ट्रिंग ना ले डेटा टाइप। अब मैं जब यहाँ पे 3 टाइप करूँगी तो यू कैन सी कि मेरे पास ये एग्जीक्यूट हो गया है। तो ये हमारे पास हो गया कंपैरिजन ऑपरेटर और हमने इफ स्टेटमेंट को भी अच्छे से डिस्कस कर लिया। अब हम अपनी नेक्स्ट कैटेगरी पे आते हैं, दैट इज इफ एल्स। तो एक काम ये करते हैं कि यहाँ पे हम हेडिंग डाल लेते हैं इफ एल्स की, और अब इफ एल्स का मेरे पास जो है वो भी सेम स्ट्रक्चर होगा। मैंने सबसे पहले लिखना है इफ और उसके बाद मुझे यहाँ पे लिखना है एल्स। एल्स के लिए हमारे पास एक और बॉडी होगी। एल्स में हमारे पास कोई कंडीशन नहीं आएगी, इसलिए यहाँ पे मुझे कोई राउंड ब्रैकेट्स लगाने की नीड नहीं है। मैं वापस यहाँ पे आती हूँ और मैं यहाँ पे लिख देती हूँ अब फ्लेवर इक्वल्स टू चॉकलेट, और मैंने कंसोल कर दिया अगेन कि ब्रिंग आइसक्रीम। ओके, सो अब यहाँ पे हमारे पास सिचुएशन कुछ ऐसी बनेगी कि मैंने कहा कि अगर चॉकलेट फ्लेवर की आइसक्रीम हो तो आइसक्रीम ले आओ। अब मुझे बताना है कि वरना क्या करना है। पहले जब हमने लिखा था तो हमारे पास ये अंडरस्टूड था कि अगर चॉकलेट फ्लेवर नहीं हुई तो इसका मतलब है कि कुछ भी नहीं लाना है, लेकिन मैं यहाँ पे अब लिखने वाली हूँ कि अगर ना हो तो ब्रिंग चिप्स, राइट। अब मैंने यहाँ पे वरना की कंडीशन भी दे दी कि पहले चेक करेगा कि अगर फ्लेवर चॉकलेट में है तो ये आइसक्रीम ही लाएगा और वो इसको एग्जीक्यूट करेगा ही नहीं, लेकिन अगर ये नहीं है तो मैंने कहा वरना फिर चिप्स ले आओ, राइट। अब मैं इसको रेंडर करूँगी और मैंने यहाँ पे इसको रेंडर किया तो यहाँ पे मेरे पास ब्रिंग चिप्स जो है वो एग्जीक्यूट हो गया। अब ये मेरे पास क्यों हुआ है? क्योंकि मेरे पास यहाँ पे जो फ्लेवर है वो है वेनीला, तो जब ये यहाँ पे आया होगा सबसे पहले मेरा पॉइंटर, इसने चेक किया तो ये वाली कंडीशन हो गई फॉल्स। जैसे ही हमारे पास कंडीशन फॉल्स होती है तो उसकी बॉडी में जो भी चीज़ लिखी हुई हो वो एग्जीक्यूट नहीं होती है। तो इसने इसकी बॉडी में जो भी चीज़ें थी उसको इग्नोर किया और ये एल्स वाले पार्ट में आ गया। अब एल्स वाला पार्ट तो लाजमी एग्जीक्यूट होगा ही, तो इसने यहाँ पे कंसोल कर दिया ब्रिंग चिप्स। तो ये मेरे पास हो गया इफ एल्स। अब हम तीसरी कैटेगरी पे आ जाते हैं, दैट इज इफ एल्स इफ। इफ एल्स इफ में हमारे पास क्या होता है? जब हमारे पास मल्टीपल कंडीशंस आ जाती हैं तब हम इफ एल्स इफ यूज करते हैं। लेट से कि मैंने ये कहा कि अगर चॉकलेट फ्लेवर हो तो आइसक्रीम लेके आओ, और अगर वेनिला हो तब भी आइसक्रीम ले आओ, वरना चिप्स ले आओ। मैं सिंपली इस कोड को करूँगी कॉपी और यहाँ पे आके मैं इसको कर दूँगी पेस्ट, और मैंने इसको कर दिया अनकमेंट। अब यहाँ पे सिर्फ एक चीज़ मुझे ऐड करनी होगी और वो होगा एक और इफ। के लिए मैं क्या करूँगी, एल्स वाला पार्ट मैंने नीचे भेजा और यहाँ पे मैंने लिखा एल्स इफ, और अब मैंने यहाँ पे लिख दिया फ्लेवर इक्वल्स वेनिला, और इसके बाद मैंने इसकी बॉडी भी ओपन कर दी और उसके बाद मेरे पास आ जाएगा एल्स पार्ट। मैंने इसको कॉपी किया और यहाँ पे आके पेस्ट कर दिया। तो अब मेरे पास ये कुछ इस तरीके से बन गया कि फ्लेवर पहले वो चेक करेगा चॉकलेट है तो ये कंसोल कर देगा, ब्रिंग आइसक्रीम आ जाएगी। फिर ये दोबारा एक और कंडीशन चेक करेगा कि फ्लेवर अगर वेनिला है तो भी ब्रिंग आइसक्रीम, वरना फिर क्या करना है इन दी एंड, कि ब्रिंग चिप्स। अगर ये दोनों ही फॉल्स हो गई तो फिर ये एल्स पार्ट चलाएगा, लेकिन इसमें से एक भी ट्रू हो गई तो फिर वो एल्स पे जाएगा ही नहीं। मैंने इसको किया रेंडर, अब मेरे पास ये एग्जीक्यूट हो रहा है ब्रिंग आइसक्रीम, लाइन नंबर 43। इसका मतलब कि ये वाला जो कंसोल है ये एग्जीक्यूट हुआ है, ऊपर वाला नहीं हुआ है, क्योंकि मेरे पास जो फ्लेवर था वो था वेनिला, तो इसने वेनिला वाली कंडीशन को चेक किया वो ट्रू हो गई और इसने ये वाली जो स्टेटमेंट है इसको कर दिया एग्जीक्यूट। तो इस तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं इफ एल्स इफ। अब हम एक काम ही करते हैं कि जल्दी से एक और चीज़ देखते हैं, दैट इज़ नेस्टेड इफ। इसका क्या मतलब है कि हम इफ के अंदर इफ को यूज़ कर सकते हैं। ये काम हम किस तरीके से कर सकते हैं? लेट से मैंने यहाँ पे लिखा इफ और मैंने इसकी कर दी बॉडी ओपन, इसके अंदर मैं एक और इफ लिखूंगी और यहाँ पे मैंने इसकी कर दी बॉडी ओपन। अब इसकी एग्जांपल हम इस तरीके से ले लेते हैं कि सबसे पहले हमें ये चेक करना है कि शॉप इज ओपन इक्वल्स टू ट्रू, कि अगर शॉप ओपन है
तो फिर ये अंदर वाले इफ में आएगा और अब क्या करना है, इफ आइसक्रीम प्राइस इज लेस देन 200 तो फिर हम एक काम ही करते हैं कि कंसोल कर देते हैं ब्रिंग आइसक्रीम। अब ये मेरे पास क्या हो रहा है कि सबसे पहले ही चेक करेगा कि अगर शॉप ओपन है तो क्या करना है, देखना है कि आइसक्रीम की प्राइस जो है वो 200 से कम है तो ही आइसक्रीम लेके आनी है। यहाँ पे मैं एक वेरिएबल बनाती हूँ जल्दी से, शॉप इज़ ओपन, और मैं यहाँ पे कर देती हूँ इसको फॉल्स। और यहाँ पे एक और वेरिएबल मैं बनाऊँगी आइसक्रीम प्राइस, और इसकी वैल्यू मैं कर देती हूँ लेट्स से 190। अब ये होगा क्या कि मेरे पास कंडीशन ये है कि सबसे पहले हमें चेक करना है कि शॉप ओपन है या नहीं। अगर शॉप ओपन हो तभी हम आइसक्रीम लेंगे, अगर शॉप ही ओपन नहीं हुई तो फिर इस कंडीशन को चलाने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, इस सिचुएशन में क्या होगा, अगर मैं इसको यहाँ पे रेंडर करूँ तो मेरे पास कुछ भी कंसोल नहीं हो रहा क्योंकि इसने चेक किया शॉप इज़ ओपन ट्रू है जो कि नहीं है। तो इसने इस वाली चीज़ को चेक किया ही नहीं जबकि मेरे पास ये कंडीशन ट्रू थी, लेकिन इसने फिर भी इसको चेक नहीं किया क्योंकि ये नेस्टेड इफ़ है। पहले अगर ये वाला इफ़ ट्रू होगा तभी ये अंदर आएगा और इसको एग्जीक्यूट करेगा। यही अगर मैं इस ट्रू को इस फॉल्स को कर दूं ट्रू और अब मैं इसको रेंडर करूं तो मेरे पास यहाँ पे ब्रिंग आइसक्रीम जो है वो कंसोल हो जाएगा क्योंकि मेरे पास ये दोनों कंडीशन ट्रू है। अगर मैं लेट से इसको कर दूं ग्रेटर देन तो अब मेरे पास ये कंडीशन फॉल्स हो गई, इसको तो चेक करेगा, ये इफ़ एग्जीक्यूट होगा। अब हमें कैसे पता चलेगा कि ये वाला इफ़ एग्जीक्यूट हुआ है, तो मैं यहाँ पर कंसोल कर देती हूँ कि आउटर इफ़ एग्जीक्यूटेड। अब जब मैं इसको रेंडर करूँगी तो मेरे पास ये प्रिंट करेगा आउटर इफ़ एग्जीक्यूटेड कि ये जो इफ़ है ये एग्जीक्यूट हुआ है, इसके अंदर आया, ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुई। फिर जब ये यहाँ आया तो ये कंडीशन चेक की, ये कंडीशन फॉल्स हो गई, तो इस वजह से ये वाला कंसोल जो है वो हमारे पास एग्जीक्यूट नहीं हो सका। सो ये हमारे पास हो गई कंडीशनल स्टेटमेंट्स। हम जो है इन कंडीशनल स्टेटमेंट्स को यूज़ करते हुए एक मिनी प्रोजेक्ट भी बनाएंगे तो फिर ये चीज़ें जो है वो हमें और अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। Okay guys, so that was it for the video. If you guys have any query, ask me in the comment section and don't forget to like, share and subscribe to my channel Callback Coding. So see you in the next video. Thank you.